हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है ये तो हम आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुके हैं। आज उसको एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करते हैं, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग में शॉर्ट सर्किटिंग का क्या यूज़ है और उसको हम कैसे समझ सकते हैं। सो फर्स्ट वी विल टेक एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन शॉर्ट सर्किटिंग। तो इसमें हम सिंपली लिख देते हैं यहाँ पे कि से ताकि आपको टॉपिक क्लियर रहे आज का, एन एग्जाम्पल ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है एक पाइथन स्टेटमेंट्स लिखते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले पहला हमने लिखिया डेफ ए, ठीक है। फिर सेकंड पे हमने लिखा प्रिंट ए, फिर थर्ड हमने लिखा रिटर्न रिटर्न ट्रू। फिर फोर्थ लाइन में हमने लिखा डेफ बी। फिर फिफ्थ लाइन में हमने लिखा प्रिंट बी। ठीक, फिर हमने लिखा रिटर्न ट्रू रिटर्न ट्रू। फिर सेवेंथ लाइन में हमने लिखा डेफ सी। ठीक है, फिर हमने लिखा प्रिंट सी प्रिंट सी। फिर हमने यहाँ किया रिटर्न ट्रू। ठीक है, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर हमने लिखा इफ ए एंड बी और सी। तो हमने यहाँ कंडीशन लिखा इफ, यहाँ पे हमने लिखा ए एंड, और फिर यहाँ पे हमने लिखा बी और सी। अगर ये ट्रू हुआ तो हम यहां लिखेंगे प्रिंट होल कंडीशन इज ट्रू, होल कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, एल्स प्रिंट होल कंडीशन इज फॉल्स। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होगा कि इस प्रोग्राम को कैसे हम इसको शॉर्ट सर्किटिंग को एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें क्या होगा कि इन दिस प्रोग्राम हमने तीन फंक्शन को डिफाइन किया है। अब इसमें आप यहाँ पे देखिए, इस प्रोग्राम में हमने तीन फंक्शन, एक ये है डिफाइन ए, दूसरा डिफाइन बी और डिफाइन सी। ये तीन फंक्शन को हमने डिफाइन किया है और ये तीनों क्या प्रिंट कर रहा है, मैसेज, विच प्रिंट ए मैसेज एंड रिटर्न वैल्यू। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये मैसेज प्रिंट कर रहा है और वैल्यू रिटर्न कर रहा है ट्रू, ये प्रिंट कर रहा है मैसेज और ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और ये सी जो है ये मैसेज प्रिंट कर रहा है और ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा कि द मेन प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम लाइन 11 सिमिलर टू आवर प्रो अदर टू आवर प्रोग्राम्स। ठीक है, तो अब मेन प्रोग्राम जो शुरू होगा वो ये लाइन 11 से शुरू हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या दिया है कि इफ ए एंड बी और सी,
मतलब ए ट्रू हो और बी और सी में से कोई एक ट्रू हो। तो द मेन प्रोग्राम स्टार्ट ऑन लाइन 11 एंड इवेलुएट्स द कंडीशन। इस कंडीशन को वो इवेलुएट करेगा जो लाइन 11 में दी गई है। आफ्टर इवेलुएटिंग फंक्शन ए एंड फंक्शन बी द कंडीशन इज गारंटीड टू बी ट्रू। तो जैसे ही हम ए को और बी को हम इवेलुएट कर लेंगे, तो मान लीजिए ये ट्रू आ गया और ये ट्रू आ गया, तो क्या होगा कि कंडीशन इज गारंटीड टू बी ट्रू। तो फंक्शन सी जो है, सी को एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देयरफॉर द आउटपुट ऑफ द अबव कोड, यानी इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा वो देखिए वो किस तरह आएगा। वो आपका आएगा यहाँ पे, जैसे आपका ए ट्रू हो गया तो प्रिंट ए है ना, तो ए आ जाएगा, फिर प्रिंट बी है, बी आ जाएगा, और फिर तीसरा आ जाएगा आपका होल कंडीशन इज होल कंडीशन इज ट्रू। तो जो आउटपुट आएगा प्रोग्राम का वो आपका इस तरह आ जाएगा, ए आएगा, बी आएगा और होल कंडीशन इज ट्रू हो जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि विदाउट शॉर्ट सर्किटिंग सी वुड ऑल्सो हैव बीन प्रिंटेड। तो अगर इसमें आप शॉर्ट सर्किटिंग नहीं यूज करेंगे तो सी भी प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन चूंकि हम शॉर्ट सर्किटिंग यूज कर रहे हैं इसलिए इसमें सी नहीं प्रिंट होगा, क्लियर। तो इससे आपको शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब एकदम क्लियर हो जा रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कहेंगे कि सर इसका मतलब शॉर्ट सर्किटिंग इज यूजफुल है कि ओनली व्हेन यूजिंग फंक्शन। तो उसका आंसर होगा नो, शॉर्ट सर्किटिंग केवल फंक्शन जब हम यूज कर रहे हैं तभी नहीं यूजफुल है। शॉर्ट सर्किटिंग जो है कैन बी वेरी यूजफुल टू गार्ड अगेंस्ट एन इनवैलिड एक्सेस। मतलब अननेसेसरी जो एक्सेस है, इनवैलिड एक्सेस है, उसको गार्ड करने के लिए भी शॉर्ट सर्किटिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल में आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे दिया कि से इफ इंडेक्स इज लेस देन लेंथ। अब माई स्ट्रिंग कोई स्ट्रिंग है तो उसकी लेंथ एंड माई स्ट्रिंग इंडेक्स एंड माई स्ट्रिंग, यहां हम लिख देंगे इंडेक्स। ये अगर इक्वल टू है किसके, एक्स के, ठीक है। इफ इंडेक्स इज लेस देन लेंथ ऑफ माई स्ट्रिंग एंड माई स्ट्रिंग इंडेक्स, ठीक है, और इज इक्वल टू एक्स। जब हम शॉर्ट सर्किटिंग यूज करेंगे विथ शॉर्ट सर्किटिंग, इफ द इंडेक्स इज बियॉन्ड द स्ट्रिंग देन द फर्स्ट सब कंडीशन इज फॉल्स। तो अगर इसमें हम सब शॉर्ट सर्किटिंग यूज कर रहे हैं और जो इंडेक्स है वो क्या है, दैट इज बियॉन्ड द स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग से बाहर है उसकी वैल्यू, तो क्या होगा कि जो फर्स्ट सब कंडीशन है, यानी ये वाली जो कंडीशन है, ये पहली वाली, इसको हम ये अंडरलाइन करके दिखाते हैं कि अगर इंडेक्स उससे बाहर होगा तो ये जो पहली कंडीशन है ये क्या हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी। एंड देयर फोर द सेकेंड सब कंडीशन विल नॉट बी इवेलुएटेड। और जब पहली कंडीशन जो है बाहर हो जाएगी तो जो सेकेंड कंडीशन है ये वाली, वो इवेलुएट नहीं होगी। तो इससे फायदा क्या होगा कि इट विल अवॉइड द आउट ऑफ बाउंड एक्सेस। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि इट विल अवॉइड, किसको अवॉइड करेगा ये, इट विल अवॉइड द आउट ऑफ बाउंड, लिमिट से बाहर का जो एक्सेस है उसको शॉर्ट सर्किटिंग की मदद से हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इससे ये क्लियर होता है कि शॉर्ट सर्किटिंग केवल वही नहीं यूजफुल है जहाँ पे हम फंक्शन यूज कर रहे हैं, बल्कि ऑर्डिनरी स्टेटमेंट में भी जहाँ पे हमें आउट ऑफ लिमिट एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना है वहाँ पे भी शॉर्ट सर्किटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये एकदम कंटेंट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए,
और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।